बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। इंसान पर जब अच्छा वक़्त आने लगता है तो गैर भी अपने लगते हैं। अकेला रहना बुरी सोबत में रहने से बेहतर है। अगर कुछ सीखना है तो खामोश रहना सीखो, वरना लफ्ज़ों के मतलब तो हज़ारों होते हैं। खुदा पर यकीन रखना, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। अपने खिलाफ बातें सुन के हौसला ना हारो, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। मोहब्बत वफादारी की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का एक मामूली वाकया। बाज़ औकात वो अज़ियत लिखी भी नहीं जाती जो महसूस हो रही होती है, जब इंसान महदूद ख्वाहिशों और ज़रूरतों का पाबंद हो जाता है तो उसे ज़्यादा झूठ बोलने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। मोहब्बत करने वाले बददुआएं नहीं देते, क्योंकि जिसके दिल में मोहब्बत रहती है मोहब्बत दुआएं नहीं रहती। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस ना होना, क्योंकि लोग अक्सर वही चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो नहीं दे सकते। पहले अपने दिल में मिठास तलाश करो, फिर तुम्हें हर दिन में मिठास मिलेगी। अगर जो चाहा वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। हर किसी के दिल में अच्छी यादें छोड़ जाएं, क्योंकि इंसान नहीं रहता, बस यादें और बातें रह जाती हैं। और फिर कुछ तारीखें, कुछ दिन और कुछ लम्हे हमेशा याद रहते हैं, इस सोच और इंतज़ार में कि दूसरा भी तो अच्छा हो, हम ही हमेशा क्यों अच्छे बने। यकीन करें कि दूसरे के अच्छे होने के इंतज़ार में हम अच्छा वक़्त और अच्छाई का मौका खो देते हैं। किसी को भी ये हक नहीं कि वो तुम्हें जज करे। वो नहीं जानता कि तुम अपने अंदर कैसे हालात से गुज़र रहे हो। उसने तुम्हारे मुतल्लिक कहानियाँ सुनी हैं, मगर कभी वो महसूस नहीं किया जो तुम अपने अंदर महसूस करते हो। बंद आंखों से नजर आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहां से मोहब्बत जन्म लेती है। मर्द सारी उम्र झिड़कियां खाकर धक्के बर्दाश्त करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता, मकान बनवाता है, परदेसियों की मिट्टी फूंकता है, आखिर में जवान बच्चे कहते हैं अब्बा जी आप कोई ढंग का काम कर लेते तो ज़िंदगी ना सवर जाती। उस मर्द की ज़िंदगी में दूसरी औरत ज़रूर हो गई जो ये कहता है कि तुम में अब वो बात नहीं रही, या मुझे तुम जैसी कई मिल जाएंगी।